as you can see, traffic from Delhi to UP is flowing, but the traffic from UP to Delhi is blocked, which is where the farmers are protesting. Sukhjinder Singh, UP, Bilaspur. अच्छा. हम लगभग 6-7 दिन हो गए, मैं 6 दिन हो गए यहीं पे आए हुए हैं और इसी अपना किसान के अपना ही हित में हम उनके पक्ष में यहाँ पहुँचे हैं और अभी उधर सिंह बॉर्डर पर भी गए थे, वहाँ तो बहुत ही किसान जो है लाइन बहुत लंबी लाइन में अपना जमा है, बस इसी वजह से ये जो 3 बिल जो इन्होंने दिए हैं इसके विरोध में और ये सरकार को वापस देने चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार आपकी बात मानेगी? मानेगी नहीं, माननी पड़ेगी इसको। किसान जो है यहाँ पे अभी हम उधर से होके आए, वो 6-6 महीने का राशन, वो अब आज कह रहे थे 6 महीने का, नहीं हम तो अब 10 साल का लेके बैठेंगे, हम नहीं जाने वाले और जाने वाले नहीं है। जी किसान तो किसान एक ऐसा है, किसान आगे लीड जो कर रहा है, पंजाब का किसान कर रहा है, वो तो ऐसा किसान है कि वो तो हार मानने वाले नहीं है, ना मानी आज तक हार का किसान ने, पंजाब वाले किसान ने। उसके पीछे तो अब तो पूरा किसान है, यूपी हो गया अपना, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा तो सब चल रहा, राजस्थान सब पीछे आप जमा हो गया वहाँ पे। ऐसा है, ये मोदी को देश की जीडीपी माइनस में जा रही है और ये संसद भवन की नई बिल्डिंग, क्या उसमें अभी कोई इतनी खामियाजी होगी कि अभी 2-4 साल ये नहीं उसमें रह सकते या नहीं कर उसको गिरा के नया संसद भवन बनाने की तरह, कम से कम देश तरक्की में जाए तो उसको बनाने का फायदा है। ये एमपी और ये जो एमएलए लोग हैं इनमें बैठते हैं, क्या इनकी छत उसके सिर पे गिर रही है इतनी जल्दी? कभी हवाई सफर कर लिया इन्होंने, ये इसी कामों में पैसा उजाड़े जा रहे हैं और लोगों से, गरीब आदमी से छीन छीन के सारा टैक्स जो है इसी कामों में उजाड़ देने लगे हैं ये। और किसान बेचारा रोडों पे बैठा है, रोडों पे बैठा हुआ है ना, किसान रोडों पे बैठा है, उसके बारे में सोचे, पटेल की मूर्ति बना रहा है, इतना पैसा मैं कर उस पर टैक्स लगा रहे हैं, पूरे इंडिया के एक एक को देते तो मुझे लग रहा 15-15 लाख तो वैसे ही आ जाता है एक बंदे को। गोदी मीडिया ने सर देश को आपस में ऐसा बांट दिया है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन बना पड़ा है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन बना पड़ा है। इसलिए गोदी मीडिया, मीडिया से इसलिए एलर्जी है, कुछ चैनलों से, सबसे नहीं कुछ चैनलों से। ये पूछ रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, बीच में आज क्वेश्चन ही आ रहा है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, और ये सिखों पे पूछ रहे हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है। सिख तो आप लॉकडाउन में देखा, लोग घर पे बैठे, वो लंगर लेके पूरे दिल्ली में और हर जगह घूम के खिला रहे हैं, उनको फंडिंग की जरूरत है, उनको फंडिंग कहाँ दी है मोदी साहब की फंडिंग, हम पूछते हैं कहाँ से होती है इतनी, करोड़ों रुपया एक रैली में लग जाता है। ये पाकिस्तान क्यों गए थे बिरयानी खा के वहाँ से। इन चैनलों को तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम किसान ठंड में बैठा, बुशारे हो रही है पानी की, जाके उस चीज को करके और अपना सरकार पे दबाव बनाए, सरकार खुद आके बोले भी हाँ ठीक है हम गलत चल रहे हैं। आम आदमी तक तो खबर ही नहीं पहुंच रही, हम कल अभी बैठे थे कहीं तो उनको ये नहीं पता क्या हो गया रहा दिल्ली में, पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो मीडिया पे पता फैलाएगा ना, ये तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छा कि अभी भी ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि उसकी वजह से कुछ फिर भी लोगों तक खबर पहुंच रही है। आप हरजाब सिंह जी हैं, इन्होंने हमें देखा और सबसे पहले हमें कहा आओ लंगर खाओ, ये हमारे किसान भाई हैं, कहाँ से आए हैं सर? पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत यूपी। हम तो लोग लंगर की सेवा कर रहे हैं, कल कोई भी आए तो जो भी आता है, जो भी कोई बस हमारे ये बाबा जी हैं कि वहाँ गुरुद्वारे के दोनों हमारे बाबा जी। सत श्री अकाल, हम सब सारे भाइयों से हिंदुस्तान वासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी कदम उठाए वो शांतिमय तरीके से होना जरूरी है। अगर हमको सरकार प्रशासन यहाँ मारेगा, पानी की बुछार फेंकेगा, गैस के गोले दगाएंगे, हम इनको जवाब नहीं देंगे, हम अपनी पीठ पे सहारेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और जो करना चाहते हैं उनको भी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हिंसा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और शांति पूर्वक चाहिए, हम हिंसा से कोसों दूर रहना चाहते हैं, सभी से हम ये प्रार्थना करनी चाहते हैं। पता इसमें क्या हुआ फायदा, जो ये इतना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आदमी के दिमाग में हिंदू मुसलमान सिख है, ये छोटा है, भंगी है, ये जो दूरियां खत्म हो गई, एक भाईचारा, एक मानवता निकल के उभर के सामने, यहाँ मुसलमान भी सेवा कर रहा है, सिख भी कर रहा है, हर कोई किसी को जात भाव, इस चीज, ये जो दिमाग की गंदगी थी ये दूर हो गई। ए मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हो।